Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एक छोटे से बारिश ने पुना को डुबा दिया है। लोग आप वहां नाव में चल रहे हैं। आप देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, नाव चल रही है पुना में। ये हालत है वो भ्रष्टाचार की वजह से, आपकी सप्लीमेंट की, करप्शन की वजह से, खास करके पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जी सत्ता है। संजय जी, खास करके पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछिए, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रहे हैं या महाराष्ट्र मेंबर सत्ता है, प्रश्न पूछिए। तो नहीं, जो बाढ़ की स्थिति है पुणे में वो भ्रष्टाचार की वजह से। तो मेरा मंत्री जी से सवाल है, ये जो बाढ़ का पानी है पुणे में, जैसे आपने मुलाम उठा योजना की बात की कि इतने सालों से मैं सुन रहा हूँ हो रहा है, प्रश्न पूछिए। तो जो पानी है अभी, पानी एक्सेस वाटर है पुणे में, पानी अभी भी नहीं जा रहे, 20 फुट ऊपर पानी गया है, फर्स्ट फ्लोर तक पानी है, लोग 20 दिन से लोग नीचे उतर नहीं पा रहे हैं। ये पानी जो है, ये पानी का इस्तेमाल अगर हम अच्छे काम के लिए कर सकते हैं या कोई योजना बना सकते हैं पुणे के लिए, तो सरकार के पास इस प्रकार की क्या योजना है? ऑनरेबल सर, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ मुळा मुठा रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पुणे, वेयर दिस प्रोजेक्ट इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड बाय द फंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, ये मुआ मुथा जो परियोजना है उसके अंदर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत जायका से सहायता प्राप्त करके पुणे में मुला नदी का प्रदूषण उपशमन परियोजना का परियोजना चल रही है। इसके अंदर अभी तक 990.26 करोड़ रुपये की लागत ये उसके अंदर लगी है। लागत की साझेदारी अनुपात 85% केंद्र सरकार द्वारा, पुणे नगर निगम द्वारा दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 6 मार्च 2022 को आधारशिला रखी गई थी। परियोजना को पूरा करने के निर्धारित तिथि ये मार्च 2026 तक है। इसके अंदर अभी तक 40% वास्तविक काम ये हुआ है। परियोजना की वास्तविक जो क्रिया को है उसके अंदर 415.98 करोड़ ये अभी तक की लागत है। इस परियोजना में 11 एसटीपी का निर्माण, जिनकी क्षमता 396 एमएलडी है और 53.5 किलोमीटर का जो सीवर नेटवर्क वो भी बिछाने का काम चल रहा है। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्री संजय राउत। चेयरमैन सर, ऑनरेबल मेंबर ने जो प्रश्न पूछा है महाराष्ट्र से है, ज़रूर मैं मानता हूँ कि जो पानी है, जल है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है और राज्य में ऐसी बहुत सी योजना होती है जो केंद्र के मदद से हम पानी का संकट उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न पूछा है वो पेयजल के संकट के बारे में है, बोरवेल के बारे में है, लेकिन आज महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो बाढ़ है। और सबसे बाढ़ ज़्यादा कहाँ होगा तो पुणे में है। पुणे एक ऐसा शहर है, एजुकेशनल हब है, इंडस्ट्रियल हब है, ऐतिहासिक शहर है, कल्चरल है, लेकिन एक छोटे से बारिश ने पुणे को डुबा दिया है। लोग आप वहाँ नाव में चल रहे हैं। आप देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नाव चल रही है पुणे में। ये हालत है वो भ्रष्टाचार की वजह से, आपकी सप्लीमेंट की, करप्शन की वजह से, खास करके पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जी सत्ता है। संजय जी, खास करके पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछिए, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रहे हैं या महाराष्ट्र मेंबर सत्ता है, प्रश्न पूछिए। तो नहीं, जो बाढ़ की स्थिति है पुणे में वो भ्रष्टाचार की वजह से है। तो मेरा मंत्री जी से सवाल है, ये जो बाढ़ का पानी है पुणे में, जैसे आपने मुलाम उठा योजना की बात की
इतने सालों से मैं सुन रहा हूँ हो रहा है हो रहा है। प्रश्न पूछिए। तो जो पानी है अभी, पानी एक्सेस वाटर है, एक्सेस वाटर है पुणे में, पानी अभी भी नहीं जा रहे, 20 फुट ऊपर पानी गया है, फर्स्ट फ्लोर तक पानी है, लोग नीचे 20 दिन से लोग नीचे उतर नहीं पा रहे हैं। ये पानी जो है, ये पानी का इस्तेमाल अगर हम अच्छे काम के लिए कर सकते हैं या कोई योजना बना सकते हैं पुणे के लिए, तो सरकार के पास इस प्रकार की क्या योजना है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, आपने जो प्रमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, आपका सुझाव तो आ गया है, प्रश्न भी पूछिए। और भ्रष्टाचार पुणे कॉरपोरेशन में जो चल रहा है पानी के बारे में, हजारों करोड़, वो कैसे आप खत्म करेंगे? महोदय जी, सदस्य जी का जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है वो कॉरपोरेशन के बारे में है। हमारा मंत्रालय के द्वारा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कैच द रेन के द्वारा जो एक्सेस वाटर है उसको ज़मीन में उतारते हुए जहाँ भी पानी की कमी है, जहाँ भी उसका लेवल नीचे गया हुआ है, वो बोर की वजह से हो या अन्य कोई कारण से हो, उसको चार्ज करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो बाढ़ की स्थिति है वो राज्य सरकार की, उसके लिए योजनाएँ भी है और वो ही उनके सत्ता में है और उसके लिए राज्य सरकार ही प्रयत्न करती है। हम लोग एक्सेस वाटर को रिचार्ज करने की पूरी कोशिश करेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्रीमती जया बच्चन। सर, माइक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सब बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं, मगर ग्राउंड वाटर इतना कंटामिनेटेड है, उसके ऊपर मैंने पिछले हफ्ते मंत्री जी से सवाल किया था। मंत्री जी ने कहा मेरे पास जवाब नहीं है, ये तो नहीं कहा मैंने, उन्होंने कहा मैं लिख के आपको जवाब दे दूंगा। मंत्री जी को कहना चाहिए था कि मेरे पास इस वक्त जवाब नहीं है, मैं लिख के दूंगा। वो जवाब अभी तक नहीं आया, आप तय कर दीजिए कि कब तक आएगा। और ये ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी सर, इसको प्लीज। यस ऑनरेबल मेंबर, प्लीज हियर द ऑनरेबल मेंबर, सी इज रेजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ऑल्सो ग्राउंड वाटर लेवल गोइंग डाउन, दीज आर क्रिटिकल इश्यूज, शी इज रेजिंग इट। इसको हार्वेस्टिंग करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव एक्टिविटी है, उसके लिए आप लोग क्या बजट एलोकेशन कर रहे हैं? Yes. या उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रदेश को कितना दे रहे हैं? जस्ट बाय सेइंग इट्स अ स्टेट मैटर इज नॉट इनफ। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने, एक सेकंड, माननीय सदस्य ने मेरे को भी एक निर्णय करने के लिए कहा है। आप 15 दिन के अंदर, माननीय मंत्री जी, 15 दिन के अंदर माननीय सदस्य ने जो पहले प्रश्न पूछा था उसका जवाब सुचारू रूप से, सार्थक रूप से दे दीजिए। ठीक।